हाय गाइज, यू आर वेलकम इन माय चैनल ट्रिकी स्टडी। तो गाइज, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। आज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रेलवे ALP CBT-2 जो है उसका पार्ट वन का सिलेबस में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी नाम का एक चैप्टर है, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसीलिए आज मैं इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को बताने वाला हूँ, और इस चैप्टर का आज सेट वन में बतलाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग को जो है सेट वन देखने के बाद अच्छी लगे और आपको लगता हो कि मैं पार्ट टू पार्ट थ्री भी बनाऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तब मैं पार्ट टू पार्ट थ्री और बनाऊँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मैं पार्ट वन में आपको कौन कौन से क्वेश्चन अपलोड किया हूँ और कौन कौन से क्वेश्चन बतलाने वाला हूँ, और सारे क्वेश्चन मैं आपको विस्तार से बतलाऊँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध डॉट 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 होता है, यानी कि डैश होता है, कितना होता है। तो एक आदर्श एमीटर यानी कि आइडियल एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह जीरो होता है, यानी कि कोई भी एमीटर जो है अगर उसका प्रतिरोध जीरो हो जाए तो वह उस एमीटर को क्या बोलेंगे, आदर्श एमीटर बोलते हैं, ठीक है। ऐसा रियल कंडीशन में नहीं होता है, यह एक आइडियल कंडीशन है, ठीक है। सिर्फ आइडियल कंडीशन में ऐसा होता है कि आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध हो जाता है जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए नंबर, जीरो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है फ्यूज तार किस मिश्र धातु की बनी होती है। फ्यूज तार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूज तार से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि फ्यूज तार किस मिश्र धातु की बनी होती है। तो यह जो बनी होती है दोस्तों, यह आपका टीन और शीशा की बनी होती है। किसकी? टीन और शीशा की बनी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और फ्यूज तार जो है दोस्तों, यह क्यों लगाया जाता है? फ्यूज तार जो है इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अचानक कभी कभी जो है वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो जिस वजह से क्या होता है, कभी कभी देखिएगा बल्ब फूट जाता है घर का, या फिर और पंखा का कुछ कॉइल जल जाता है, तो इस वजह से फ्यूज तार लगाया जाता है ताकि जो है यह पहले ही फ्यूज तार गल जाए, ठीक है। जब ज़्यादा करंट आएगी और ज़्यादा वोल्टेज आएगी ना, तो फ्यूज तार पहले ही गल जाएगी। और फ्यूज तार जो है इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, यानी कि गलनांक बिंदु जो होता है बहुत कम होता है। गलनांक बिंदु बहुत कम इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही बहुत ज़्यादा वोल्टेज आएगी तुरंत गल जाए, ठीक है, और जो है हानि होने से बच जाए और बल्ब बुल ना फूटे, ठीक है। इसलिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, और इसका गलनांक जो है बहुत कम होता है, और यह टीन और शीशा का बना होता है। तो इससे दो तीन क्वेश्चन में बता दिया किस किस टाइप का बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दिया है कि फैराडे के नियम किससे संबंधित है। तो फैराडे का जो नियम है दोस्तों, यह विद्युत अपघटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का SI मात्रक तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों कि ओम होता है, ठीक है। तो ओम इसका SI मात्रक है, और वोल्ट किसका SI मात्रक है? तो वोल्टेज का SI मात्रक क्या होगा? वोल्ट, यानी कि विभव विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होगा, ठीक है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, और वाट किसका SI मात्रक होता है? शक्ति का SI मात्रक होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइए ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट भी और बना पाऊँ, ठीक है। और लाइक जरूर कर दे दोस्तों, ठीक है। और अगर हम मेरे चैनल में कोई नए हैं दोस्तों, तो एक बार सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और जो मैं आगे बतलाऊँगा या फिर मैं बहुत बतला चुका हूँ पहले ही, उसका वो सब भी आप देख सकते हैं। वर्क पावर एनर्जी भी मैं बता चुका हूँ, तो वो सब भी आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, ठीक है। तो उसके लिए सब्सक्राइब एक बार जरूर कर ले रेड कलर के बटन को दबा करके, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कि किस नियम के अनुसार विभवांतर और विद्युत धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि बोलता है विभवांतर यानी कि भी, यानी कि अनुक्रमानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल टू विद्युत धारा, भी प्रोपोर्शनल टू आई, किस नियम के अनुसार होता है। तो यह आप लोग को भी पता होगा, ओम के नियम के अनुसार होता है भी प्रोपोर्शनल आई, और भी इज इक्वल टू बोले तो IR, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, बहुत ही इससे न्यूमेरिकल प्रश्न बनते हैं, तो न्यूमेरिकल में भी बतलाऊंगा। पहले अभी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ बतला लेता हूँ, फिर न्यूमेरिकल बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, तो इसका जो आंसर था दोस्तों, यह होता ओम का नियम, ठीक है, पाँच नंबर का। चलिए छः नंबर का देखते हैं अब। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक कूलम होता है, स्टेट कूलम होता है, एम्पियर सेकंड होता है, या सभी होता है। दोस्तों आवेश का मात्रक कूलम भी होता है, और स्टेट कूलम भी होता है, और एम्पियर सेकंड भी होता है, ठीक है, सभी होता है। इसका कूलम होता है SI मात्रक, CGS मात्रक होता है, स्टेट कूलम और एम्पियर सेकंड। देखिए क्यू हो गया आवेश, क्यू बराबर होता है I/T, यानी कि करंट का जो रेट होगा उसी को आवेश बोलते हैं। तो यहाँ पर इससे हो गया एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। तो एम्पियर पर सेकेंड जो है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू IT होगा, ठीक है दोस्तों। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? IT होता है, क्यू इज इक्वल टू IT होता है। तो यहाँ पर I का हो जाएगा एम्पियर और T का हो जाएगा सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड जो होता है आवेश का SI मात्रक भी
एसआई मात्रक होता है, यानी कि तीनों इसका एसआई मात्रक है, कूलम, स्टेट कूलम और एम्पियर सेकंड। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तापमान बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो तापमान जब बढ़ेगी ना तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। तापमान बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ेगी। ठीक है, तापमान बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, तो प्रतिरोध इसका क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर पूछ देता कि तापमान बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ती है, तो चालकता यानी कि कंडक्शन, तो वह घटेगी। ठीक है, तापमान बढ़ने पर कंडक्शन घटेगी, यानी रेजिस्टिविटी जो है, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, वह बढ़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हीटस्टोन सेतु द्वारा किसकी माप की जाती है? तो व्हीटस्टोन सेतु जो है, व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा जो माप की जाती है, वह किसकी माप की जाती है? प्रतिरोध की। प्रतिरोध की जो माप की जाती है, व्हीटस्टोन सेतु से की जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है, संधारित्र कार्य करता है, किस पर कार्य करता है संधारित्र? केवल एसी पर, केवल डीसी पर, या एसी और डीसी दोनों? यहाँ पर एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है। ठीक है, संधारित्र जो है एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है, और ट्रांसफार्मर की बात करें तो सिर्फ वह एसी पर कार्य करती है। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पर कार्य करती है, बैटरी सिर्फ डीसी पर कार्य करती है। ठीक है, और संधारित्र एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, किसके द्वारा बदला जाता है? तो यह रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, और जो है अल्टरनेटर के द्वारा, किसके? अल्टरनेटर के द्वारा जो है दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी और दिष्ट धारा मतलब डीसी, यानी कि एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टिकारी। ठीक है, तो इसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, अल्टरनेटर के द्वारा डीसी को एसी में बदला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, डी नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ ट्रांसफार्मर, यहाँ पर दिया डायनेमो। डायनेमो क्या करता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर जो है, या स्टेप अप स्टेप डाउन, दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, इसका काम होता है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज, और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तन करना। ठीक है, ट्रांसफार्मर का काम होता है, यह अन्यन प्रेरण के सिद्धांत के कार्य करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है? विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या फिर ऊष्मा ऊर्जा, या फिर प्रकाश ऊर्जा? तो विद्युत सेल में जो रहती है दोस्तों, यह रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। इसमें क्यों? क्योंकि विद्युत सेल में आप लोग को पता ही होगा, एसिड वगैरह यूज करते हैं, जो कि वह क्या है? केमिकल है। ठीक है, तो इसीलिए उसमें जो है तो केमिकल एनर्जी अवेलेबल रहता है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में विद्युत सेल में, यानी कि शुष्क सेल में संचित रहती है। और शुष्क सेल को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राइमरी सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो आज मेरे ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड नहीं किया था दोस्तों, मात्र 11 क्वेश्चन ही अपलोड किया था। क्योंकि कम इसलिए किया, क्योंकि अगर आप लोग को अच्छी लगी हो देखने के बाद, तो आप लोग खुद बताइएगा कमेंट करके कि आप अच्छी लगी, तो मैं फिर पार्ट 2 पार्ट 3 बनाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।